ये है Realme C21Y और ये है Vivo Y12G। तो आज इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे एक साथ। तो Realme C21Y को परचेज करने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 9,999 रुपए। वहीं पर अगर आप 1,000 रुपए ऊपर खर्च करते हैं तो आपको मिल जाता है Vivo Y12G 10,999 रुपए में। वीवो आपको दे रहा है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज और Realme C21Y आपको 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दे रहा है। वहीं पर अगर आप इसका 3GB वेरिएंट परचेज करते हो तो वो आपको 8,999 रुपए में मिल जाता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन की बॉक्स पैकिंग पे नजर डालें तो मोबाइल का डिजाइन आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर रखे हुए मिलते हैं एक एक मिनी बॉक्स जिनके अंदर आपको मिलेंगे सिम इजेक्टर टूल, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड। वीवो आपको दे रहा है फोन की सेफ्टी के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर, काफी अच्छी क्वालिटी का, जो आपको Realme C21Y में नहीं मिलता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे स्मार्टफोन जिन्हें फिलहाल रख लेते हैं साइड में और अंदर देखें तो यहां आपको मिलते हैं चार्जर अडैप्टर और यूएसबी केबल। चार्जर अडैप्टर आपको अलग अलग साइज के देखने को मिलते हैं लेकिन हैं दोनों 10 वॉट के। 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की आउटपुट रेटिंग आपको दोनों चार्जर से मिलती है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको व्हाइट कलर की यूएसबी केबल दी गई है और दोनों में आपको नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है, टाइप सी किसी ने नहीं दी। और ये है दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अच्छी बात ये है कि दोनों मोबाइल पर आपको स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिल जाता है, नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई स्क्रैचेस आपको नजर आ रहे होंगे। अगर ये स्क्रैच गार्ड ना हो तो आपको स्क्रीन पर ये स्क्रैच देखने को मिलते, इसलिए वीवो और Realme पहले से स्क्रैच गार्ड लगा के देते हैं, ये अच्छी बात है। और आप भी जब एक नया स्मार्टफोन परचेज करो तो टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम लगा लीजिए, आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा और टूटने का डर भी कम बना रहेगा। दोनों स्मार्टफोन की पावर को एक साथ ऑन किया था तो यहाँ पर Realme C21Y जल्दी ऑन हुआ है। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है इसे हम ऑलरेडी फुल है यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस, तो डिस्प्ले को आपको करीब से दिखाएं तो दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छी कलरफुल डिस्प्ले मिल जाती है लेकिन जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा आपको वीवो में और कलर्स आपको ज्यादा मिलते हैं C21Y में। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के एज बेजल्स बिल्कुल सेम लग रहे हैं, नीचे चिन्ह थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो Realme C21Y में आपको 6.5 इंच की, Vivo Y12G में आपको 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 PPI की दी गई है और दोनों मोबाइल में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। C21Y में आपको 420 nits की ब्राइटनेस मिलती है और Vivo Y12G में आपको मिलती है 440 nits की ब्राइटनेस। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है लेकिन डिफरेंट बैक पैनल आपको दिए गए हैं। C21Y में आपको कर्बी बैक पैनल और Y12G में आपको बिल्कुल प्लेन बैक पैनल देखने को मिलता है। सबसे पहले Realme C21Y का बैक पैनल को करीब से आपको दिखा देते हैं तो यहाँ आपको कट्स देखने को मिलते हैं जिन पर डिजाइन दिए गए हैं हल्के हल्के रेजेस, इन पर स्क्रेचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। नीचे Realme की ब्रांडिंग और स्पीकर्स दिए गए हैं, ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अब Vivo Y12G का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको ग्लास फिनिश वाली फीलिंग आएगी, पूरा ग्लास फिनिश लग रहा है प्लास्टिक बॉडी और यहाँ लाइट रिफ्लेक्शन आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन जितना सुंदर यहाँ बैक पैनल आपको दिख रहा है, अगर आप गलती से भी विदाउट कवर कुछ दिन इसे यूज करते हैं तो जितना ये सुंदर है उतना ही जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए हमेशा इस पर आप कवर चढ़ाकर रखिए। और यही कारण है कि Vivo Y12G एक फ्री कवर आपको बॉक्स के अंदर दे रहा है। अब नजर डालते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पर। तो दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर Realme आपको ट्रिपल कैमरा के साथ और Vivo डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है। तो Realme C21Y में आपको प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट देता है और Vivo Y12G आपको देता है 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में आपको Realme 5 मेगापिक्सल और Vivo 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहा है।
है। Vivo Y12Z में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें आपको साइड माउंटेड रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। जहां पर पावर ऑन की है वहीं फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको दिया गया है। बाकी दोनों मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे जहां दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगते हैं, और बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक, स्पीकर वीवो में आपको नीचे और रियलमी में आपको पीछे दिया गया है। चलिए दोनों स्मार्टफोन के यूजर इंटरफेस को देखें तो स्क्रॉल अप करने पर आपको यहाँ सारी के सारी एप्स नजर आएंगी। कुछ ऐप प्री इंस्टॉल भी दी गई हैं, हालांकि आप इन्हें इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब नजर डालते हैं सेटिंग में। शुरुआत करते हैं Realme C21 Y से। तो इसकी सेटिंग को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो अंदर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सेंटर में आपको अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। सबसे ऊपर डिवाइस नेम Realme C21 Y, Realme UI वर्जन R एडिशन, Android वर्जन 11, प्रोसेसर ऑक्टा कोर है, और कौन सा है मेंशन नहीं किया है। इसमें आपको 1.8 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट को भी कहीं मेंशन नहीं किया है। इसमें आपको ना ही क्वालकॉम ना ही मीडियाटेक, बल्कि आपको इसमें यूनिएसओसी का चिपसेट दिया गया है, जो है यूनिएसओसी T610 लेटेस्ट चिपसेट है, जो कि इससे पहले माइक्रोमैक्स का जो लेटेस्ट स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स इन 2B उसमें यूज किया गया था। 4GB रैम LPDDR4X की, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का मिलता है, और एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। और अब आते हैं Vivo Y12G की सेटिंग पर। तो यहाँ हम सेटिंग को ओपन करें तो यहाँ का जो इंटरफेस है, पहले तो कितना टाइम ले रहा है ओपन होने में इसकी सेटिंग। तो यहाँ हम देखें तो सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन बैठा है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर आपको डिवाइस नेम Vivo Y12G लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद सिम तो यहाँ पर अभी डाले नहीं है, सिम कार्ड की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 3GB रैम मिलती है, जी हाँ, 11,000 रुपए में आपको 3GB रैम दे रहा है Vivo। 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी आप इसमें भी 256GB तक बढ़ा सकते हैं। 1.95 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का एक आउटडेटेड चिपसेट आपको इसके अंदर दिया गया है। इसके बाद टच ओएस आपको इसमें 11 ग्लोबल दिया गया है, और एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें भी 11 ही मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक माली Z52 के आपको रियलमी में, और वीवो एड्रीनो 505 के ग्राफिक दे रहा है। 164.5 mm की हाइट आपको रियलमी में, और 164.4 mm की हाइट आपको वीवो Y12G में मिलती है। थिकनेस 9.1 mm की है रियलमी की, और 8.4 mm की थिकनेस आपको वीवो Y12G में मिलती है, यानी कि ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन आपको Vivo का देखने को मिलेगा। वेट की बात की जाए तो 191 ग्राम का Vivo और 200 ग्राम का Realme C21 Y है। वहीं दोनों में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। Realme C21 Y आपको दो कलर वेरिएंट में मिलेगा, क्रॉस ब्लू और क्रॉस ब्लैक। और Vivo भी आपको दो कलर वेरिएंट में मिलता है, फैंटम ब्लैक कलर और ग्लेशियर ब्लू कलर। जो भी कलर वेरिएंट आपको पसंद आता है आप परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 10,000 और 11,000 रुपए की कीमत में मिलने वाले दो स्मार्टफोन, जिसमें मुझे यहाँ पर Realme C21 Y ज्यादा बेटर लगा। आपको 10,000 रुपए के अंदर 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज इसमें दिया जा रहा है। वहीं पर Vivo आपको लुक वाइज, डिजाइन वाइज यहाँ पर मुझे Realme से अच्छा लगा Vivo का स्मार्टफोन। फीचर्स के मामले में फेल हो जाता है Vivo Y12G। 11,000 रुपए आप इस पे खर्च कर रहे हैं और आपको इसमें मिलती है 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, जबकि 11,000 रुपए अगर आप खर्च करते हो तो अदर कंपनीज आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले इसमें दे देती है, टाइप सी चार्जर का सपोर्ट दे देती है, 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी आपको इसके अंदर मिल जाता, लेकिन ये सब आपको इस कंपनी के मोबाइल में नहीं दिया गया है। बाकी वो तो अपनी अपनी पसंद होती है। अगर आप Vivo यूजर हैं, पहले से Vivo यूज कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा Vivo का ही स्मार्टफोन लगेगा। लेकिन जो भी कहो, Vivo के मोबाइल लंबे टाइम तक चलते हैं, खराबियां बहुत कम आती है। हम सेल करते हैं Vivo के स्मार्टफोन तो इनमें हमने बहुत कम खराबियां देखी है, जबकि Realme में आती रहती हैं। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कुछ ना कुछ जरूर काम आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए।